हेलो हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जूलॉजी रिलेटेड है। सो सेट टू, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास पहला नोटिफिकेशन में मिल जाए। और ये जो जूलॉजी क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कशन कर रही हूँ, ये जो भी जिस लेवल के भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर जो पीडीएफ आपके सामने है, तो उस पीडीएफ में जितने अभी क्वेश्चन है उतने ही क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्या है पता लगाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर वन, एंटीजन इज ए सब्सटेंस व्हिच, ऑप्शन ए लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, बी इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू पॉइजन, सी destroys harmful bacteria, D triggers the immune system. So the right answer is D, option D triggers the immune system. ठीक है, तो चलो next question, question number 2. Recommended daily intake of proteins for a moderately active woman is, option A 37 gram, B 30 gram, C 46 gram, D 58 gram. So the correct answer is option C 46 gram. So the next question number 3, the sequencing of the entire genome, the totality of all genes, genome means the totality of all genes. So the sequencing of the entire genomes of an organism was completed in 1996. The organism was, option A yeast, B bacteria, C plasmodium vivax, D algae. So correct answer is option A yeast. Number 4, the pituitary gland by virtue of its tropic hormones controls the secretory activity of other endocrine glands. Which one of the following endocrine glands can function independent of the pituitary gland? So option A thyroid, B parathyroid, C adrenals, D none of these. So right answer is option B parathyroid. Then question number 5, oxygen transportation in human body takes place through eye tissue, then second eye blood, third eye lungs. So the correct sequence of transportation is, तो उसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ट्रांसपोर्टेशन है, सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस से उसी ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे। तो ऑप्शन ए में पहला क्या है, थर्ड आई टू आई देन आई, बी आई थर्ड आई टू आई, सीक्वेंस ठीक से याद कर लो, पहले टिश्यू है, देन क्या है ब्लड है, देन लॉन्ग्स है, उसी के हिसाब से हमें लगाना होगा कि कौन सा सीक्वेंस आने वाला है। तो सी आई सेकेंड आई थर्ड आई एंड डी सेकेंड आई थर्ड आई, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थर्ड आई टू आई आई। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्पस ल्यूटियम इज ए मास ऑफ सेल्स फाउंड इन ए स्प्लीन, बी पैनक्रियाज, सी स्टोमक, डी ओवरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओवरी। देन क्वेश्चन नंबर 7, the first bird is believed to have appeared on the surface of the earth, option A 500 million years ago, B 150 million years ago, C 250 million years ago, and option D 100 million years ago. So the right option is, sorry, right answer is option number B 150 million years ago. So the next question, number 8, phenylketonuria yani ki PKU is an example of an inborn error of metabolism. So this error refers to option number A non disjunctions, B hormonal overproduction, C atrophy of endocrine glands, D inherited lack of an enzyme. So the right answer is option D, inherited lack of an enzyme. Then next
क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ द ऑप्शन ए लैक ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, बी लैक ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड, सी लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, डी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या है, सी लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड. ये तो सबको पता ही होगा, इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन. सो ऑप्शन ए एमनियम, बी यक्षक, सी क्रोनिन, डी एलेंटॉइड्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एमनियम. क्वेश्चन नंबर 11, इट बिगिंस एज ए सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू ए मर्सीलेस डिजीज दैट क्लेम्स मिलियंस ऑफ लीव्स ईयर आफ्टर ईयर बट साइंटिस्ट आर स्टडीली अनलॉकिंग इट्स मिस्टरीज एंड द फाइट अगेंस्ट इट मे नाउ हैव रीच्ड ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट, न्यू डिस्कवरीज प्रॉमिस बेटर थेरेपीज एंड होप इन द वॉर अगेंस्ट. ठीक है, ऑप्शन इज टीबी, बी कैंसर, सी एड्स, डी मलेरिया. फिर से एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, अच्छे से सुनिए और समझिए. इट बिगिंस एज ए सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू ए मर्सीलेस डिजीज दैट क्लेम्स मिलियंस ऑफ लीव्स ईयर आफ्टर ईयर बट साइंटिस्ट आर स्टेडीली अनलॉकिंग इट्स मिस्टरीज एंड द फाइट अगेंस्ट इट मे नाउ हैव रीच्ड ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट, न्यू डिस्कवरीज प्रॉमिस बेटर थेरेपीज एंड होप इन द वॉर अगेंस्ट डेथ. सो ऑप्शन में क्या क्या है आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ऑप्शन ए टीबी, बी कैंसर, सी एड्स, डी मलेरिया. सो द राइट आंसर क्या है आप सभी को पता ही चल गया होगा. राइट आंसर इज कैंसर, ऑप्शन नंबर बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन. सो ऑप्शन ए स्टिमुलेटिंग, बी एड्रेनालिन, सी थायरोक्सिन, डी प्रोजेस्टेरोन. राइट आंसर इज सी थायरोक्सिन. क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द बाय मिस्टेक डे हो गया है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, वहां पर जो डे है वो डे नहीं है, ठीक है, वो डे नहीं है, वहां पर फॉलोइंग होगा या फिर बस ऐसे ही. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. सो ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, डी कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज सुइटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लेप्रोसी. ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी आयसोनाइज्ड, ऑप्शन सी रिफामिप्सिन, ऑप्शन डी पी एमिनोसैलिक साइक्लिक एसिड. सो द राइट आंसर इज रिफामिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रिफामिप्सिन. क्वेश्चन नंबर 15, पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए शैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एक्सेप्ट. ऑप्शन ए जंडी, ऑप्शन बी फ्लोरोसिस, सी कलेरा, डी टाइफाइड. फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लो. पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए शैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट. ऑप्शन नंबर बी होगा फ्लोरोसिस, एक्सेप्ट फ्लोरोसिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिसाइड्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन मिल्क इंक्लूड. ऑप्शन ए कैल्शियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड आयरन, सी पोटेशियम कैल्शियम एंड आयरन, डी आयरन एंड पोटेशियम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैल्शियम एंड पोटेशियम.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट्स एज ए बैरियर अगेंस्ट, ऑप्शन ए लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन सी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज करेक्ट. आई रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप. देन 2 चेस्ट एक्सरेज कैन स्पॉट निमोनिया. 3 फिश ब्रेथ विथ देयर लंग्स एंड दे नीड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. IV बीटा कैरोटीन प्रोवाइड्स विटामिन सी. सो इन चारों में से कौन सा देखेंगे, ऑप्शन पहले देखा दूं कौन सा करेक्ट है. I2, I3 और IV से कौन कौन सा करेक्ट है ये हम बताएंगे ऑप्शन से. ऑप्शन ए सेकेंड आई, ऑप्शन बी आई सेकेंड आई थर्ड आई, सी सेकेंड एंड थर्ड आई, डी आई एंड थर्ड आई. सो करेक्ट इज ओनली सेकेंड आई अलोन जो कि ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ द 4 लैंडमार्क्स इन मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो विच वन वाज द फर्स्ट टेक्स प्लेस. ऑप्शन ए बाईपास सर्जरी, बी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सी प्लास्टिक सर्जरी, डी टेस्ट ट्यूब बेबी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक सर्जरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड. ऑप्शन नंबर ए DNA फिंगरप्रिंटिंग, बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ DNA, सी क्रोमोसोम काउंटिंग, डी प्रोटीन एनालिसिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए DNA फिंगरप्रिंटिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और बहुत सारा सपोर्ट भी करना. अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा. फिर से जल्द हम आएंगे और एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास. तब तक के लिए विदा दीजिए.